जय स्वामीनारायण। बाळ मित्रों, मजा माने परीक्षा की तैयारी केवी चाले छे? जो हवे आपणे हिंदी विषय में अभ्यासक्रम गया लेक्चर में पूरो थई गयो छे, तो हवे आपणे पुनरावर्तन करीशुं। तो द्वितीय सत्र में जे प्रमाणे तमारे परीक्षा आववानी छे ए प्रमाणे हूँ प्रश्नवाइज तमने पुनरावर्तन करावीश। तो तमारे ध्यान आपवानुं छे अने ते पीडीएफ मोकलू ए लखी पण देवानुं छे, अने तेमांथी ज तमारे तैयारी करवानी छे, बराबर ने? तो जुओ, प्रश्न एक अमा बाराक्षरी एटले खूटता मूळाक्षरोनी बाराक्षरी आवशे, तो तेमां कक्को आवशे। कोई पण एक बाराक्षरी में खूटता मूळाक्षरो पूरा करवाना आवशे, जे हूँ अत्यारे तमने बताऊँ छूँ। जुओ, आ कोवारी बाराक्षरी छे, बराबर? तो आपणी आखी लखेली छे, पण आमां अमुक जे मूळाक्षरो लखेला नहीं होय ते तमारे जाते लखवाना छे। तो आ प्रमाणे कोवारी बाराक्षरी, पछी कौवारी बाराक्षरी, कमवारी बाराक्षरी, आ प्रमाणे कोई पण एक बाराक्षरी तमारी परीक्षामां आवशे अने तेना खूटता मूळाक्षरो लखवाना रहेशे। हवे प्रश्न नंबर एक में ज बमा कि बमा खाली जगह आवशे, शू आवशे? खाली जगह। ते खाली जगह तमारे कૌંસમાં જવાબ આપેલા હશે। તો જુઓ, મેં અત્યારે લખ્યા છે એમાં કૌંસ લખ્યા નથી, પણ પરીક્ષામાં તમારે કૌંસ આપેલા હશે, તો પરીક્ષામાં કૌંસમાંથી શોધીને તમારે લખવાનું રહેશે। હવે આપણે આ પુનરાવર્તન છે માટે, જો પુનરાવર્તનમાં પ્રશ્ન એક અ નીચે આપેલી હિન્દી બારાક્ષરીમાં ખૂટતા મૂળાક્ષરો લખો। તો આ પ્રમાણે તમારે કોઈ પણ એક બારાક્ષરી માં ખૂટતા મૂળાક્ષરો લખવાના આવશે। હવે પ્રશ્ન નંબર એક બ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ઓ કૌંસમાંથી શોધીને લખો। તો અહીંયા તમારે કૌંસ આપેલા હશે અને નીચે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી હશે, તો તે તમારે જવાબ કૌંસમાંથી શોધીને લખવાના રહેશે। પણ અહીંયા હું ખાલી જગ્યાઓ તમને આપી છે જે એસાઇનમેન્ટ તરીકે, તો એ તમારે પુનરાવર્તનમાં તમારે જો હિન્દીની નોટમાં જગ્યા હોય તો તેમાં લખવાનું, અને ન હોય તો બીજી કોઈ પણ નોટમાં તમે લખી શકો છો અને તેમાંથી તમે તૈયારી પણ કરી શકો છો। તો જુઓ, ખાલી જગ્યા નંબર એક, સૂરજ નીકળા ખાલી જગ્યા બિખરી, તો જવાબમાં ધૂપ। સૂરજ નીકળા ધૂપ બિખરી। ખાલી જગ્યા નંબર બે, બાલુ ડમડમ ખાલી જગ્યા બજાતા, બાલુ ડમડમ ડમરું બજાતા। નંબર ત્રણ, ગાડી આઈ ખાલી જગ્યા આયા, તો ગાડી આઈ બાલુ આયા, કોણ આયા? બાલુ આયા। નંબર ચાર, ખાલી જગ્યા સબકા મન બહલાતા, ભાલુ સબકા મન બહલાતા। નંબર પાંચ, बरसात का खाली जगह था, तो बरसात का महीना था। खाली जगह देखकर मेहमान खुश हुए, तो चिड़ियाघर देखकर मेहमान खुश हुए। हमारे घर खाली जगह आए थे, तो हमारे घर मेहमान आए थे। नंबर आठ, पाठशाला के पास खाली जगह का पेड़ है, तो पाठशाला के पास आम का पेड़ है। नंबर नौ, पेड़ की डाल पर खाली जगह बैठी है, तो पेड़ ने नीचे, तो मैना। पेड़ की डाल पर मैना बैठी है। नंबर दस, मैना सबका खाली जगह बहलाती है, मैना सबका मन बहलाती है। नंबर 11, मोहन खाली जगह
करो, मोहन भोजन करो। नंबर 12, मोहन लाल लाल खाली जगह खाओ, मोहन लाल लाल गाजर खाओ। नंबर 13, गोपी मोहन को खाली जगह पानी दो, गोपी मोहन को ठंडा ठंडा पानी दो। 14, गौतम के मौसा खाली जगह है, गौतम के मौसा धनवान है। गौतम के मौसा शहर के बड़े खाली जगह भी है, गौतम के मौसा शहर के बड़े जौहरी भी है। नंबर 16, गौतम के मौसा की दुकान बहुत खाली जगह है, गौतम के मौसा की दुकान बहुत बड़ी है। नंबर 17, कौवा उड़ते उड़ते एक खाली जगह में आया, कौवा उड़ते उड़ते एक जंगल में आया। नंबर 18, कौवा पानी को देखकर खाली जगह हो गया, तो कौवा पानी को देखकर निराश हो गया। तो निराश केम थई गयो हतो? कारण के पानी खूब ज ऊंडू हतू, बराबर ने? कुंजामां पानी खूब ज ऊंडू हतू, तेथी ते निराश थई गयो। पछी ज्यारे तेने काकरा नाख्या अने पानी ऊपर आव्यू अने पीधू, त्यारे ते खुश थयो हतो। एटले आ ध्यान राखवानुं छे के कौवा पानी को देखकर पानी ऊंडू हतू तेथी निराश हो गया था। नंबर 19, कौवा खाली जगह से कंकड़ को गड़े में गिराने लगा, तो कौवा चांच से कंकड़ को गड़े में गिराने लगा। नंबर 20, कौवे ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया, कौवे ने पानी पिया और खाली जगह से उड़ गया, तो खुशी से उड़ गया। नंबर 21, गाय एक खाली जगह जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है। नंबर 22, गाय का दूध बहुत खाली जगह होता है, गाय का दूध बहुत मीठा होता है, गाय की पूंछ खाली जगह होती है, गाय की पूंछ लंबी होती है। नंबर 24, बछिया बड़ी होकर खाली जगह बनती है, बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। 25 नंबर, गोबर से खाली जगह भी बनती है, तो गोबर से खाद भी बनती है और उपले एटले छाणा पण बने छे। तो अहीं आपणे एक ज खाली जगह लखी छे, तो गोबर से खाद भी बनती है, एटले गोबर भी, गोबर से उपले और खाद भी बनती है। तो अहीं आपणे खाद ज लखवानुं छे, तो खाली जगह કૌંસમાં જોવાનું કે ખાદ હોય તો ખાદ લખવાનું અને ઉપલે લખેલું હોય તો ઉપલે લખવાનું। નંબર 26, ગાય કો હમ ગૌ ખાલી જગ્યા કહેતે હૈ, ગાય કો હમ ગૌ માતા કહેતે હૈ। નંબર 27, હમ ખાલી જગ્યા સે સુનતે है, हम कान से सुनते हैं। हवे नंबर आगर 28,
जीव से अन्न का खाली जगह मालूम होता है। तो जीव से अन्न का स्वाद मालूम होता है। 29 बाल खाली जगह रंग के होते हैं। बाल काले रंग के होते हैं। नंबर 30 नाक से हमें खाली जगह का पता चलता है। नाक से हमें गंध का पता चलता है। खाली जगह 31 नंबर सिर को खाली जगह भी कहते हैं। सिर को माथा भी कहते हैं। नंबर 32 सिर पर छोटे छोटे खाली जगह है। तो सिर पर छोटे छोटे बाल है। तो बाल मित्रों जो आपने जेटला यूनिट चाले छे यूनिट त्याथी आपने छे द्वितीय सत्रनी बधी ज खाली जगह में आपने पुनरावर्तन में लखी छे। तो तमारे ए पुनरावर्तन नी बधी खाली जगह लखवानी छे अने तैयार पण करवानी छे। तो तमे तैयारी परीक्षानी करवानी चालू करी देजो। हवे आपणे प्रश्न नंबर 2 આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું, તમને સમજાવીશ અને લખવા પણ આપીશ। ત્યાર સુધી આ તૈયાર કરજો। આવજો। જય સ્વામિનારાયણ।